हेलो, वेलकम बैक टू हिटेस क्लासेस। आप सबके सामने एक कहानी और लेके आए हैं। ये है एक चिड़िया की कहानी। एक समय की बात है, एक किसान के खेत के बीचों बीच एक पेड़ पे चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था और उस घोंसले को वो बड़े सुकून से रहते थे। लेकिन एक दिन किसान आया और उसने कहा कि जो ये खेत के बीचों बीच पेड़ है, इसके कारण खेत की फसल में नुकसान हो रहा है। इसकी छांव से कई फसल नुकसान होती है, इसीलिए उसने कहा इस पेड़ को अब काटना होगा। उसने अपने नौकर से कहा कि नौकर, कल ये पेड़ कट जाना चाहिए। किसान चला गया और नौकर भी चला गया। इधर बच्चे माँ के आने का प्रतीक्षा कर रहे थे और जैसे ही माँ आई, उन्होंने सब कुछ बताया कि ऐसा है कि आज किसान आया था और उसने कहा कि कल ये पेड़ काटना है और उसने अपने नौकर से सब कुछ बताया है। तो माँ ने कहा, बेटा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कल कोई नहीं आएगा। अगली सुबह होती है, वास्तव में कोई नहीं आता। शाम को बच्चे बहुत खुश होते हैं और आराम से रहते हैं। एक हफ्ता हो जाता है इस बात को बीते हुए। किसान फिर आता है और कहता है, नौकर मेरा अभी तक पेड़ नहीं काटा। उसने कहा, तुम तो नालायक हो, और नौकर को अपने काम से निकाल देता है। उसी दिन अपने बेटे को कहता है, बेटा अब तुम इस पेड़ को कल काट देना। और इस बात को चले जाते हैं सब लोग। फिर इस बार भी बच्चे दुखी हो जाते हैं और अपनी माँ से कहते हैं शाम के वक्त कि माँ, आज फिर किसान आया था और इस बार उसने अपने बेटे से कहा कि ऐसा है कि कल ये बेटा पेड़ काट देना। माँ कहती है कि कल भी कोई नहीं आएगा। इस बार बच्चे अगली सुबह होती है और वास्तव में कोई नहीं आता। ऐसा बच्चे वास्तव में बहुत खुश हो जाते हैं। फिर माँ से कहते हैं, माँ वास्तव आज कोई नहीं आया था। माँ कहती है, मुझे पता था कोई नहीं आएगा। फिर एक हफ्ता हो जाता है इस बात को। किसान देखता है बेटे ने भी पेड़ नहीं काटा। किसान कहता है, कल मैं खुद कुल्हाड़ी लेके आऊँगा और इस पेड़ को काट ही दूँगा। इस बार भी बच्चे शाम को जब माँ आती हैं, उनसे कहते हैं कि माँ आज भी किसान आया था। माँ कहती है, बताओ क्या बोल रहा था। उसने कहा कि माँ आज किसान कह रहा था कि कल मैं खुद आऊँगा और इस पेड़ को काट दूँगा। माँ ने कहा, बेटा अब वक्त आ गया है कि हमको ये अब घर खाली करना पड़ेगा और हमको नए घर में जाना होगा। और माँ सुबह सबसे पहले उठते ही अपने बच्चों को उड़ा के नए घोंसले में, जो उसने बगल में खेत में बनवाया था पेड़ पे, उसमें अपने बच्चों को लेके चली जाती है। अगला सुबह होती है और सुबह सुबह वास्तव में किसान कुल्हाड़ी लेके आता है और उस दिन वो पेड़ को गिरा देता है। और बच्चे जब माँ से पूछते हैं कि माँ क्या, कैसे आपको पता था कि कब पेड़ कटने वाला है और कब नहीं कटने वाला, माँ ने कहा कि जब इंसान दूसरों के बल पर रहता है, जब तक वह दुखी ही रहता है। जिस दिन उसने सोचा कि ये काम मैं खुद करूँगा, स्वयं करूँगा, उसी दिन से सारे काम उसके होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए ये कहानी जो है आप सबके लिए है, हमारे सबके लिए, कि हम सब जब तक दूसरों के बल पर रहेंगे कि ये काम कर देगा, ये कर देगा, जब तक काम नहीं होने वाले। जिस दिन हम स्वयं अपनी जिम्मेदारी लेंगे, जब तक कि हम अपने सारे कार्य कर देंगे।